गुरु डॉक्टर लोहिया कहते थे कि हिंदुस्तान में जब तक जाति प्रथा है और जब तक इस जाति प्रथा का रोग रहेगा तब तक हिंदुस्तान का कल्याण नहीं होगा। भ्रष्टाचार के पीछे भी जाति प्रथा है। कोई माननीय प्रधानमंत्री बैठे हैं, हिंदुस्तान के अंदर किसी को अगर चाहेंगे कुछ कर दे प्रधानमंत्री रहते हुए, क्या है जो कर देंगे? जिस जात का सरकारी नौकर होता है, मैं भी इतने दिन तक 54 वर्ष रह के देखा, मंत्री रह के देखा, जिस जात का सरकारी नौकर उसके ऊपर कलम उठाइए तो उसके जात का न जाने कहां से कहां सभी जगह से लोग आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। जात पर हमला, अगर किसी बेईमान पर हमला है तो जात पर हमला, किसी भ्रष्टाचारी पर हमला है तो माना जाता है जात पर हमला है। इस जात को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री जी को, कि कुछ योजनाएं ऐसी आई हैं, लेकिन मैं एक प्रार्थना करूंगा। हमको कहते हैं कि आरक्षण की बात मैं कहता हूं शुरू दिन से, सदन सहमत हो और आप भी सहमत हो तो प्रधानमंत्री जी से कहूं कि तुरंत लागू करिए, लेकिन इसमें सहमति का सवाल है, राष्ट्रीय सहमति, सदन की सहमति, आपकी सहमति, सब आरक्षण मेरा खत्म कर दीजिए, लेकिन एक कर दीजिए, सरकारी नौकरी और सरकारी सेवा इन दोनों के लिए अंतर जातीय विवाह को अनिवार्य करिए। न रहेगी जाति, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, जातियां टूटेगी। अंतर जातीयता के कारण हिंदुस्तान में एक जाति बनेगी, वह जाति बनेगी भारतीय, वह जाति बनेगी मानव जाति। इन जातियों के रेखा को टूट तोड़िए, इसके लिए अगर कर सकते हैं तो आप सहमत हैं तो बोलिए। आप कहते हैं गरीब और अमीर,